प्रधानमंत्री के साथ साल में 5-6 एक हाई पावर डेलीगेशन की मीटिंग होती है, वो सारी की सारी दिल्ली में होती है। एक तरफ हम टूरिज्म का ब्रांडिंग करना चाहते हैं, मान लीजिए कल ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर और मैं उनकी मीटिंग हैदराबाद में करता हूँ, तो हैदराबाद का ब्रांडिंग होगा कि नहीं होगा? सुनकर समझ तो गए ही होंगे आप कि प्रधानमंत्री बनने से पहले ही टूरिज्म को लेकर मोदी का विजन कितना क्लियर था। मान लीजिए कल मुझे अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर मिल जाते, प्रेसिडेंट मिल जाते, और मान लीजिए मैंने बनारस में मुकुल वाला जाती। अच्छा, कार्यक्रम तो 6 महीने पहले तय होता, बनारस की सफाई होगी नहीं होगी, बनारस के अंदर चेतना आएगी नहीं आएगी, बनारस के रोजी रोटी काम बनेगा नहीं, और 2 घंटे की मीटिंग हो जाएगी दुनिया भर में मेरा बनारस का ताकत है। और पीएम की कुर्सी पर बैठने से पहले ही उन्होंने ये बता दिया था कि कुर्सी संभालने के बाद वो कैसे भारत के टूरिज्म की तस्वीर बदलने वाले हैं, और तस्वीर बदली भी। सत्ता संभालने के 5 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी का साल 2019 में दिया ये बयान सुनिए। साथियों, एनडीए सरकार के आने से पहले भारत में साल में 60-65 लाख विदेशी पर्यटक आते थे। अब भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या 1 करोड़ को भी पार कर गई है। मोदी के किसी भी कार्यक्रम में, फिर चाहे वो चुनावी रैली हो या G20 की बैठक, इन सब के साथ साथ टूरिज्म कैसे उनके साथ हमेशा मौजूद रहता है, उसकी सबसे ताजा मिसाल है लक्षद्वीप। नजर में इन तस्वीरों को देखकर लगता ही नहीं कि ये हिंदुस्तान का हिस्सा है, लेकिन सच ये है कि लक्षद्वीप इतना खूबसूरत है कि इसके हर कोने में नजरें बस ठहर कर रह जाती हैं। भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में बसा एक द्वीप समूह है लक्षद्वीप। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में मोदी 2 दिन के दौरे पर थे तो लक्षद्वीप पूरे देश की सुर्खियां बन गया। लक्षद्वीप की खूबसूरती को देखकर हिंदुस्तान दंग रह गया। करोड़ों लोगों के जहन में लक्षद्वीप का नाम अगली छुट्टियों के विकल्प के तौर पर कौंधने लगा। लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहाँ के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें।